नमस्कार, मैं डॉक्टर जसबीर मलिक। आई एम एमडी मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन एट आरटीओएस हॉस्पिटल पानीपत। आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ आरटीओएस हॉस्पिटल एंड वन ऑफ द मेंबर हु क्रिएटेड दिस हेल्थ केयर फैसिलिटी इन पानीपत। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन। इन टुडेज वीडियोज वी आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज। डायबिटीज इट्स लाइक ए एंडेमिक नाउ इन इंडिया। डायबिटीज के केसेज इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले जो डायबिटीज़ हमें 40-45 एज ग्रुप में मिलती थी, आजकल हमें 30-35 के एज ग्रुप में काफ़ी पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ मिल रही है। प्रॉब्लम डायबिटीज़ की ये है कि हम उसको लाइटली लेते हैं। जब डायबिटीज़ से की वजह से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, पैरों में नमनेस रहनी शुरू हो जाती है या यूरिन ज़्यादा आना शुरू होता है, तो हम डायबिटीज़ को सीरियसली लेना शुरू करते हैं, बट तब तक वो काफ़ी नुकसान कर चुकी होती है। एक चीज़ और, डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम आपको आज या कल नहीं होगी, आपको 10 साल के बाद होगी, जब तक काफ़ी सारे डैमेज वो कर चुका होगा। अगर 30 साल की उम्र में किसी को डायबिटीज़ होती है और 45 ईयर्स तक जा के उसको ट्रिपल वेसल डिजीज़ हो जाती है, हार्ट में दिक्कत आ जाती है या फिर किडनी में दिक्कत आ जाती है, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते। बट अगर अभी हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ब्लड शुगर को एक नॉर्मल लेवल में रखते हैं, तो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करके डायबिटीज़ रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि किडनी फेलियर है, हार्ट अटैक है या फिर कि स्ट्रोक है, CVA है, हम इन सारी कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। तो अपने फिजिशियन को या अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को डायबिटीज़ के लिए कंसल्ट कीजिए और स्ट्रिक्टली उनको फॉलो कीजिए। कोई क्या कह रहा है उसको फॉलो मत कीजिए कि भाई उसने एक गोली खाई उसका कंट्रोल हो गया, दो गोली खाई उसका नहीं हुआ, मेरे को इतनी गोलियाँ। आपके डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फॉलो दैट। थैंक यू।